ऐसे 5 रुपया किलो टमाटर 5 रुपया। कहाँ डर रहे हैं मार्केट भैया, पूरा खाली है। खाली है ना, चल ही नहीं रहा है। क्या डर रहे हैं भैया? बटर 20 रुपया किलो, बटर 20 रुपया किलो लो। भाई सब बढ़िया? सब बढ़िया भैया। और मार्केट का क्या हाल चाल है भाई? एकदम चकाचक भैया। बढ़िया। लगभग समय हो रहा है 7:10 और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मेरे पास सामान में सिर्फ मटर थोड़ा सा और इस तरह से एक बंदा और थोड़ा बहुत बाकी है कटराली से मी। और मार्केट का माहौल आप लोग देखेंगे तो अभी काफी सारा भीड़ लगा हुआ है। भाई जी हमसे मांग रहा है 20 रुपया केजी सेमी, बट कहाँ से देंगे 20 रुपया केजी में। इस तरह से देखेंगे कि मार्केट का माहौल जो है पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। मार्केट का माहौल देखेंगे कि सभी व्यापारी बंधुओं के पास में लगभग सामान जो है पूरी तरह से बचा हुआ है। बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाने की वजह से लोग मार्केट से काफ़ी सारा सामान खरीद लिए रहते हैं, जिसकी वजह से कोई सामान बिक्री नहीं हो पा रहा है। तो देखते हैं घर जाकर कि कितना का मैं बेचा हूँ उसको। फिलहाल आइए आप लोग को मार्केट को दिखा भी देते हैं। मार्केट का माहौल आप लोग देखेंगे कि इस तरह से मार्केट का माहौल अभी काफी सारा भीड़ लगा हुआ है।
बट आप लोग को ये भी बतला दूं कि अभी व्यापारी बंधु लोगों का सामान जो है बिक ही नहीं रहे, तो इसलिए शायद कि बहुत ज्यादा सस्ता हो चुका है, सभी लोग काफी सामान खरीद लिए होंगे और सभी 50 रुपए पूरा थैला भर ले रहे हैं। और क्या बताएं आप लोग को, और इधर मुफ्त भाजी वगैरह भी है। अब भाजी नहीं बिक रहा है तो सोच लीजिए मार्केट का माहौल अब क्या है। और जूता चप्पल वाले भैया लोगों का दुकान इधर लगा हुआ है, छोटा सा मार्केट है, जवाली है, छोटा सा एक गांव है, बट इधर परमेश्वर भांजे जो है पूरा अपना सामान को बेच चुके हैं लग रहा है। तो इस तरह से इनका भी समाप्त हो चुका है लगभग लगभग सब्जी। और साहू भैया लोगों का भी सामान जो है काफी बचा हुआ है इनका, तो वैसे 5 रुपए टमाटर 7 रुपए में खरीद कर बेचने पर मजबूर हो जा रहे हैं भाई साहब, क्योंकि मार्केट चल ही नहीं रहा है। और आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि मार्केट का जो माहौल है पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। ये भाई जी का भी सामान जो है नहीं बिक पाया, क्या करेंगे, मार्केट चल ही नहीं रहा है। और भाई सब बढ़िया? कहाँ डर रहे हो, मार्केट भैया पूरा खाली है। खाली है ना, चल ही नहीं रहा है। क्या डर रहे हो भैया, वही तो बात है ना, मार्केट चल ही नहीं रहा है पूरे दुकान। ठीक ठीक, सभी का वही हाल है, जो आपका हाल है वही हम लोग का भी हाल है। बहुत ज्यादा सस्ता हो गया है, इसकी वजह से लोग क्या है 50-100 रुपया में पूरा सब्जी भर कर ले जा रहे हैं घर, तो नेक्स्ट बाजार जो है उसके लिए कहाँ से खरीदेंगे, खपत नहीं हो पा रहे। तो बात ये है कि नहीं जी, तो इस तरह से मार्केट का आप माहौल को देख ही लिए है। तो चलिए आगे और आप लोग को इधर भी दिखा देते हैं कि माहौल कैसा है उसको। आइए आप लोग को इधर का भी दिखा देते हैं, छोटा सा इधर एक गली है सब्जी का, तो इधर का भी मार्केट का हाल वही है जो आप लोग को उधर दिखाया था, उसी तरह से इधर भी है। तो इधर भी दुकान लगा हुआ है, अच्छा खासा भीड़ है, बट किसी का दुकान जो है चल नहीं रहा है। आगे में मच्छी का दुकान लगता है, उधर जाएंगे नहीं। तो चलिए अब अपने जगह की ओर चलते हैं, और कुछ शायद लेने के लिए कोई आ जाते हैं। तो इधर चाचा चाची लोग बैठे हुए हैं अपने सब्जी को बेचते हुए। भैया का भी सामान काफी ज्यादा बचा हुआ है, आप लोग को बता दें कि आगे आइए दिखाते हैं कि इधर का माहौल कैसा है उसको। छोटा सा इधर किराना का दुकान है, और इधर आप लोग देखेंगे इधर भी सामान जो है बहुत ज्यादा। 20 रुपया किलो मटर, 20 रुपया किलो लो। बाजार इतना गड़बड़ हो गया है कि मटर को 20 रुपया तक बेचना पड़ रहा है व्यापारी भाई लोग। टमाटर 5 बिक रहा है, टमाटर जो है 5 रुपए तक बिक ही रहा है। 20 रुपया किलो मटर लो, 1 किलो 20 किलो हाँ जी। तो इधर भी देखेंगे लास्ट पोर्शन इधर आता है, चलिए आप लोग को मार्केट का लास्ट पोर्शन दिखाते हैं कि कहाँ तक मार्केट जो है लगा रहता है। ये भाई का चार्ट सेंटर का दुकान है, और इधर भी देखेंगे आप लोग की दुकान काफी अच्छा लगा हुआ है भाई लोग का। प्याज 10 रुपए किलो तक बिक रहा है मार्केट में। तो ठीक है, मार्केट का लास्ट पोर्शन यही तक का था, और फिर आप लोगों को आगे चलिए फिर दिखाते हैं। इधर भाई लोग का दुकान है, और भाई सब बढ़िया? सब बढ़िया भैया। और मार्केट का क्या हाल चाल है भाई? एकदम चकाचक भैया, बढ़िया चल रहा है ना? एकदम चलिए ठीक है ठीक है। तो कपड़े वाले भैया लोगों का दुकान तो बढ़िया चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है अभी ठंड का मौसम चल रहा है, तो स्वेटर वगैरह आना जाना है इसलिए। और भाई जी जो है कुछ कहना चाहते हैं? उचित दामों में यहाँ सामान वामान मिल जाता है। अच्छा, भाई जी बोल रहे हैं कि बढ़िया से रेट आप लोग को मिलेगा, आप बिल्कुल आइएगा जवाली मार्केट में। आप देख चुके हैं भाई जी का दुकान, और चलिए आगे चलते हैं, इधर का माहौल कैसा रहेगा उसको भी देख लेते हैं। ये अपना राजू भाई का दुकान है, और राजू भाई सब बढ़िया? हाँ ठीक 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 ठीक। मटर का हाल इतना बुरा हो गया कि 20 रुपए किलो बेचने पर मजबूर हो जा रहे हैं भाई लोग।
क्या कर सकते हैं, मार्केट जो है चल नहीं रहा है। इस हिसाब से मार्केट में मटर जो है 20 रुपए किलो तक बिक रहा है। इधर देखेंगे छोटा सा किराना का दुकान है, ये भाई लोगों का दुकान है, ओम भाई का बहुत बढ़िया तरीके से दुकान सजा हुआ है। और ओम भाई भी अपना सामान जो इस तरह से देखेंगे आप लोग। ओम भाई जो है एकदम अच्छे समोसा बना लेते हैं, मस्त मिस्त्री है, मिर्चा वाला भाई है, बाकी वाले भाई इनका तो चकाचक रहता है दुकान। तो जैसे कि देख रहे हैं आप, मैं अब घर पहुंच चुका हूं और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मार्केट में क्या है कि अभी सब्जी जो है बहुत ज्यादा स्टॉक आ रहा है, इस नाम से भाव उसका उतर चुका है और भाव उतरने की वजह से कमाई थोड़ा, मतलब थोड़ा नहीं बहुत ही कम मिल रहा है। और चले खैर कोई बात नहीं, कमाई तो अलग बात है, चलता रहता है, कभी कम कभी ज्यादा। बट इसमें क्या है, ग्राहकों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा फायदा वाली बात यह है कि कम, मतलब कम पैसे में बहुत सारा सामान मिल जा रहा है, बहुत ज्यादा सब्जी मिल जा रहा है। आप बिल्कुल अभी खाइए, मस्त खाइए, क्योंकि हमेशा रेट जो है बढ़ा रहता है और इसी मौसम में ही तो भाव जो है कम रहता है और टेस्ट भी आता है हर सब्जी में। तो बिल्कुल आप बढ़िया से और खरीदिए कम भाव में और खाइए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।